यात्रा के शुरुआती दिनों में भारी भीड़ आने से कुछ दिक्कतें हुई, जिसके तुरंत बाद सीएम धामी ने बड़े अधिकारी तैनात कर दिए। अब ऐसे में कैसे चारधाम यात्रा सफल हो सके, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर जल्द ही अमल हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मात्र 10 दिनों में ही करीब 7 लाख श्रद्धालु पहुंच गए हैं। यात्रियों की भारी संख्या ने कहीं न कहीं प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी, जिसमें यात्रा से पहले दुरुस्त व्यवस्था के दावे किए गए थे। सबसे डराने वाली तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम से आई तस्वीरों के बाद शासन ने भीड़ नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए IPS अरुण मोहन जोशी को जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने दोनों धामों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में रिपोर्ट कंपाइल करके उनको दें, तो इसमें मैंने रिव्यू किया है दोनों जगह का और जहाँ जहाँ पर और बेहतर हम लोग को करने का गुंजाइश है उसके बारे में सजेशंस को कंपाइल किया है। बाय एंड लार्ज जो है यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है और जहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ और हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल रिपोर्ट कंपाइल कर दिया है। दोनों धाम में भीड़ नियंत्रण के लिए यात्रियों को केवल उन स्थानों पर रोका जाए जहां छोटा बाजार और कस्बा हो। धाम तक पहुंचने के लिए कई जगह सकरे और चौड़े रास्ते हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। इन रास्तों पर सही से काम किया जाना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए घोड़े खच्चरों और कंडी डंडी के साथ पैदल यात्रियों को अलग अलग समय पर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि खतरा कम होगा। साथ ही धाम में लंबी लंबी लाइनों के बदले टोकन सिस्टम हो, जिससे कि यात्री को घंटों लाइन में न खड़ा होना पड़े। धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में पुलिस SDRF तैनात हो, इन जैसे कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, भीड़ के लिए जो भीड़ नियंत्रण के जो पुलिस प्रबंध होते हैं, हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ बैरियर लगाना, लोगों को तमाम तरह की जानकारियाँ देना, उसके लिए हमने बहुत सारे पुलिस असिस्टेंस बूथ बनाए हैं जगह जगह पे। जगह जगह पे चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है। केवल जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग जा पा रहे हैं जिनका ट्रिप कार्ड बना है। और आगे अगर पार्किंग की समस्या ऊपर किसी धाम में डिस्ट्रिक्यूशन होती है तो उसके अनुरूप ही नीचे बसेस को और गाड़ियों को रोका जाता है। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट बननी चाहिए थी और जिस पर काम होना चाहिए था, वो तब शुरू हुई जब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।